हेलो गाइस, मेरा नाम है वसीम और मेरा नाम है फरीन और हम हैं द द बुकर बुकर डॉक्टर। कपल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो पहले आपको बता दूं कि हमें जो है ये खाने पीने और घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो हमारे चैनल पे आपको ट्रैवल और फूड से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज जो आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, तो मेरे पास एक चैलेंज है वसीम के लिए, देखते हैं वो गेस करते हैं कि नहीं। तो मैंने ना जोमेटो से एक पाव भाजी ऑर्डर की है और मेरे पास ये रखा था हल्दीराम्स का पाव भाजी मिनट खाना, तो मैं ये बनाऊंगी और साथ में वो वाली पाव भाजी भी रखूंगी। ये दोनों में देखते हैं गेस कर पाते कि। तो आज का वीडियो है, मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ। एक्सेप्टेड, बहुत तेज हो रहे हो हैं। एक्सेप्टेड क्या चैलेंज है वो तो पूछ लो पहले। हाँ अच्छा, बताओ क्या चैलेंज। तो ना मेरे पास दो टाइप की पाव भाजी, आपको गेस करना है कि बाहर की पाव भाजी कौन सी है और एक इंस्टेंट वाली 2 मिनट में जो बनने वाली वो वाली पाव भाजी कौन सी है। मैं बता दूंगा मैं। हाँ, लेकिन अगर गैस नहीं कर पाए तो क्या करोगे? और अगर कर लिया तो? पहले नहीं कर पाए तो बताना। अगर नहीं कर पाए तो कल का नाश्ता मेरी तरफ से। चलो। हाँ ठीक है, डन। और अगर कर लिया तो? तो मेरी तरफ से। 2000 years later। तो आइए चलते, हम इसे बनाते हैं। ये हल्दीराम का मिनट खाना पाव भाजी सर्व्स 2 है। तो इसे बनाने के ना 3 तरीके हैं। एक ये है जो ये इसके अंदर जो पाउच है उसे हमें बॉइलिंग वाटर में डालना है 3 to 5 मिनट्स के लिए। दूसरा तरीका ये है कि हमें इसे डायरेक्टली जो पाउच के कंटेंट्स है उसे एक फ्राइंग पैन में डाल देना है और उसे स्टर करते हुए 3 to 5 मिनट्स के लिए पकाना है। और थर्ड तरीका ये है कि जो हमें माइक्रोवेव सेफ डिश में इसके जो पाव भाजी है अंदर मसाला उसे निकाल कर उसे माइक्रोवेव करना है 1 से 2 मिनट। तो जो फास्टेस्ट तरीका है माइक्रोवेव वाला, मैं वो यूज़ करूँगी अभी। चलिए इसे अभी निकालते हैं। ये ऐसे पाउच है, इस पर भी लिखी है पाव भाजी, तो चलिए इसे निकालते हैं। तो अच्छा, आइए इसे हम इसे पोर कर देते हैं पूरा। दिखने में तो एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक पाव भाजी लग रही है, देखना पड़ेगा टेस्ट करके कैसा है और वसीम इसे पहचानते हैं कि नहीं। माइक्रोवेव में डाल, 2 मिनट स्टार्ट। मीनवाइल हमारा जोमेटो का ऑर्डर भी आ चुका है। ये है ये वो वाली पाव भाजी, इसे भी हम सेम बाउल में निकाल लेते हैं। और साथ में कांदा है और ये है। तो ये रहा तुम्हारा चैलेंज। वाओ, ये तो देख के मतलब दोनों ही मुझे एकदम अच्छा दिख रहा है। तो लगता है ये चैलेंज और ज्यादा ही चैलेंजिंग होने वाला मेरे लिए। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो मैं सबसे पहले इसे टेस्ट करता हूँ, मेरे सामने रखा है ये फूड बेस्ड स्टाइल में। थोड़े ना देखिए क्या कर रहा हूँ। मजा आने वाला बटा, एक्स्ट्रा बटा करके रखो, आ रहा हूँ मैं। अच्छा, और फिर ये वाला, ये थोड़ा ये ज्यादा ठीक है उससे। ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, और मैं थोड़ा टेस्ट कर, थोड़ा और खा के बताऊँ। फर्स्ट बाइट में पता चल जाना चाहिए। खाने तो बहाने मत मनाओ। मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा, तो आई थिंक हल्दीराम का यही है। आई थिंक चीटिंग करता है तू, ऐसा मुझे लग रहा है शायद। हल्दीराम का ये 2 मिनट वाला ही है। यस, 2 मिनट वाला ही है और ये अपना लोकल वाला है। लोकल वाला है। और तुमको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मतलब है? मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। ओके, चलो मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं भी फर्स्ट ये टेस्ट करूंगी।
टेस्ट बहुत सिमिलर है बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। सबको अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। अब बताओ ना जीता या हारा। टाइम फॉर द रिवील। यस यू आर राइट। हां यही है। कल का नाश्ता तुम कराओगे। फिर हमारा विनर है हल्दीराम का, क्योंकि ये चैलेंज तो इनका था, इनको ब्लाइंड फोल्ड मतलब बिना पता हुए गेस करना था ना। बता दिया मैंने। हाँ फिर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हल्दीराम ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। आई विश दे दे किसी दिन इंशाल्लाह। मुझे ये अच्छा लगा। एंड इसका मैं प्राइस बता दूं, इसकी ये 100 रुपीस का है और ये हमको कुछ तो मिला था अराउंड 80-90 रुपीस मतलब टैक्स वैक्स मिला के, तो प्राइस रेंज भी दोनों का सिमिलर ही। पर इसके साथ में पाव जरूर आया था, इसके साथ में पाव नहीं आया, इसे हमने बाहर से खरीदा। तो हम उम्मीद करते हैं अगली बार से हल्दीराम जो अभी पाव भाजी के साथ में पाव भी भेजे। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हम आप और क्या वीडियो देखना चाहेंगे। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग भी खाओ पियो घूमो फिर और मजे मजे करो। बाय।